खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है मनीषा पोलैंड पर, जो समाज से और बहुत पीड़ित रही हैं, लेकिन आज वो समाज के लिए बहुत बड़ी मिसाल बनी है। मनीषा, सबसे पहले तो मैं बहुत वेलकम करती हूँ, आज आपने रैंप वॉक में जलवे बिखेरे हैं, सबसे पहले तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा ये एक्सपीरियंस पहला है, ये मेरा पहला रैंप वॉक है और ये मेरा बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस हुआ, मुझे ये अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और मेरा जो डिज़ाइनर थी वो दोनों इतना मुझे हेल्प किया, मुझे बहुत बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ज़रूरी भी है। मोनिशा, थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे, आपके थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे कि आपके साथ ये घटना किस तरीके से हुई। घटना ये हुआ था 2015 में 17 नवंबर, मैं एक ऑफिस में जॉब करती थी, रिसेप्शनिस्ट की जॉब कंप्यूटर सेंटर में, वहाँ से मैं घर जा रही थी 8 बजे तक। तो उस टाइम घर के ही पास मेरा मुंह में एसिड फेंक दिया गया, वो एसिड फेंका मेरा गांव का एक लड़का और उसके साथ कुछ फ्रेंड वगैरह मिलके मेरा मुँह में एसिड फेंक दिया था। पर मैंने उसको देखा था कि मेरे को मारा, पर मुझे पता नहीं था कि ग्रुप करके मारा था, क्योंकि पूरा एकदम रोड के ऊपर मारा था। फिर मैं जब हॉस्पिटल में एडमिशन लिया, फिर वो तो भाग गई, मैंने सबको बोली थी कि वो मुझे को मेरे फेस पर फेंका था, पर किसी ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो लड़का रहता था गुजरात या सूरत में, बाहर रहता था, गांव में नहीं रहता था, क्योंकि वो प्लान 6 मंथ से कर रहा था कि कैसे मारूंगी, वो मारने के लिए वो बाहर चला गया था कि मैं मारूंगी और पता भी नहीं चलेगा। फिर धीरे 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 उसके साथ जो जो लड़का गया था उसको पकड़ा पुलिस, फिर पता चल गया कि वो ये प्लान की थी और फिर वो एसिड फेंक दिया था। अभी उनको सजा मिली है या नहीं मिली है, आपसे ही जानना चाहिए। मेरा ये सबसे सबसे खराब क्वेश्चन मुझे लगता है, मुझे बहुत खराब लगता है कि इतना बड़ा काम करने के बाद भी वो मेरा सामने अभी घूमती है। 2 साल वो भाग भाग कर चली थी, पुलिस ढूंढी थी पर मिली नहीं, पर 2 साल बाद पकड़ी गई, 1 महीने के अंदर उसे छोड़ दिया गया। क्या मैसेज हमारे समाज को देना चाहोगे और क्या मैसेज उन लड़कियों के लिए भी देना चाहोगे जो कुछ कुछ मुश्किलों में जो है पीछे हट जाती हैं, अदब अपने कदम जो है वहीं पे जमा देती हैं, क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल ये देना चाहती हूँ कि दुनिया में जितना भी लड़का, ये लड़का हो लड़की, मैं लड़का नहीं बोलूँगी क्योंकि एसिड अटैक सिर्फ लड़का मार रहा है ऐसा नहीं हो रहा है, फेंक रहा है, ठीक है, अभी एसिड लेकर इंडिया में कोई सजा भी नहीं हो रहा है, इसलिए ना एसिड घर घर में दिया जा रहा है, तो बच्चों को देख रही हूँ, लड़का को मार दिया है लड़की, तो जो ऐसे सोच रखते है तो उनको इतना सजा दो, इतना सजा दो कि कोई सोच भी नहीं सकते। और सेकेंड, अब जिन लड़कियों को ये हो गया है बाहर या अंदर कि वो कुछ खराब दिख से वो गुजर रही है, उनको बस ये बोलना चाहती हूँ कि खुद को कभी ख़त्म मत कर देना चाहिए, ठीक है, अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया, क्योंकि हम लोग जो बाहर आए ना हमने डिसाइड कर लिया कि हमें जीना है, तो अगर आपको जीना है तो आप उसको इंजॉय करिए और उसको एंजॉय करिए और ऐसे जिए कि लोगों के साथ आप मिसाल बन जाओ, ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ हम मिसाल लेके पैदा हुए, लोग काम करते हैं, आप काम कीजिए, आपको ड्रीम के ऊपर फोकस कीजिए, एक दिन आपको ठीक जगह मिल जाएगा। मोनिशा, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है मोनिशा ने, क्योंकि अक्सर महिलाएं कुछ भी उनको प्रताड़ित होती हैं, पीड़ित होती हैं, वो बहुत जल्दी पीछे कदम उठा लेती हैं, लेकिन हमें समाज में अगर बढ़ना है, समाज में कुछ करना है, तो ऐसी मिसाल हमें पैदा करनी ही होगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र पिमोली के साथ पूर्णिमा मिश्रा, APN देहरादून।